नमस्ते दोस्तों, गाड़ी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग खड़े हैं इस इंडिया की मोस्ट पॉपुलर स्कूटी के सामने, जिसका नाम है एक्टिवा 5G। और आज हम इस दोनों वेरिएंट, डीलक्स और स्टैंडर्ड वेरिएंट का फुल कंपेयर करेंगे और कौन सा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है हम बताएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, करके देखो सब्सक्राइब, मज़ा आ जाएगा बहुत। गाड़ी जोन की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबा के अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर दें, कि आपको पता चल जाए कि मैंने अपनी नई वीडियो कब डाली है। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। होंडा एक्टिवा 5G में आपको दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, डीलक्स और स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड मॉडल देख रहे हैं और ये डीलक्स। दोनों में आपको बाहर से सिंपल सेम स्लीक डिज़ाइन मिल जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है दोनों में। साइड प्रोफाइल भी आपको दोनों का सिंपल और सेम रहेगा। आगे में दोनों में आपको 10 इंच के स्पोक व्हील मिल जाएंगे, अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं है। और ड्रम ब्रेक दोनों में आपको मिलेगा। फुल मेटल बॉडी है। एक्टिवा 5G का रिव्यू वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज़ आई बटन को दबा के उस वीडियो को देख लें, तो आपको पता चल जाए कि एक्टिवा 5G का स्पेसिफिकेशंस क्या है। ये बैक से शुरू करते हैं। बैक में आपको सिंपल नॉर्मल हेलोजन लैंप मिल जाएगा और इग्निशन ऑन करने से दोनों का लैंप चलता है। और साइलेंसर भी आपको सिंपल मिल जाएगा ब्लैक में। दोनों में आपको सेम साइलेंसर मॉडल अवेलेबल है। पीछे में आपको 10 इंच के रिम टायर्स दोनों में मिल जाएगा, स्टैंडर्ड और डीलक्स में। सबसे बड़ा चेंज आपको दोनों में मिलेगा कि ये बैक व्हील कंप्यूटर यूनिट है। ये डिजिटल मीटर का कंप्यूटर यूनिट देख रही है, ब्लैक वाला। और ये आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एनालॉग मीटर मिल रहा है। सीट आपको दोनों का सेम मिल जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज होंडा एक्टिवा में हुआ है, ये आपको इग्निशन स्लॉट में आपको सीट का ऑप्शन मिल गया है। और ये मॉडर्न इग्निशन स्लॉट बोल सकते हैं आप, ये इसको प्रेस करेंगे तो बूट खुल जाएगी। और यह है ऑफ, और हैंडल लॉक यहीं से होगा और इग्निशन स्लॉट लॉक भी यहीं से होगा। तो ये भी एडवांटेज फीचर है, आपको दोनों मॉडल में अवेलेबल है ये फीचर। यहाँ आपको हुक मिल जाएगा और ये चोक, दोनों में आपको हुक और चोक मिल जाएगा। और पीछे में आपको सेम बूट स्पेस मिल जाता है 5.3 लीटर्स का दोनों में। और ये चार्जर का सॉकेट यहाँ दिया हुआ है, आपको बाहर से वायरिंग करानी पड़ेगी चार्जर के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट और डीलक्स वेरिएंट को सेपरेट करता है ये स्पीडोमीटर। ये डिजिटल स्पीडोमीटर है। और यहाँ आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाएगा स्टैंडर्ड में। इसमें आपको स्पीड, डिस्टेंस किलोमीटर और फ्यूल का बताता है। लाइट्स और ब्लिंकर्स के स्पेसिफिकेशन इक्वल है दोनों का। आइए डीलक्स वेरिएंट का स्पीडोमीटर का स्पेसिफिकेशन जानते हैं। डिजिटल मीटर में आपको टाइम, ट्रिप ए, ट्रिप बी और फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज है इसमें कि इसको जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ एक इको बटन के ब्लिंक कर रहा है, वो 40 टू 60 का बीच में ब्लिंक करेगा कि आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी इकोनॉमी शो कर रही है। लेकिन वो इको ब्लिंक वहाँ नहीं है, बट इको मोड इकोनॉमी आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, जो 40 टू 60 के बीच में दिखा रहा है। फोर्थ सबसे बड़ा चेंज एक्टिवा 5G में है, ये
LED DRS with headlamp. ये आप देख रहे हैं दो LED नीचे में जल रही है. ये दोनों मॉडल में आपको सेम लैंप मिल जाएगा LED व्हाइट लाइट के साथ. और ये और यूनिक बनाती है अपनी सेगमेंट में. और नीचे में आपको नंबर प्लेट और ये क्रोम का फिनिशिंग मिलेगा नीचे में. दोनों में ही आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगा. और यहाँ कॉम्बी ब्रेक, यहाँ रिफ्लेक्टर और ये कॉम्बी ब्रेक लिखा हुआ. दोनों में आपको कॉम्बी ब्रेक का ऑप्शन अवेलेबल है. और दूसरा सबसे बड़ा चीज है जो एक्टिवा डीलक्स में आपको, ये आपको एक स्क्रैच मिलेगा और यहाँ आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा. आई एम किडिंग. डीलक्स मॉडल और स्टैंडर्ड मॉडल को सेपरेट करता है 1800 रुपीज़. आपको 1800 रुपीज़ कॉस्टली पड़ जाएगी डीलक्स वेरिएंट. सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा स्पीडोमीटर जो डिजिटल मीटर है उसके लिए आपको 1800 रुपीज़ पे करना पड़ता है एक शोरूम जमशेदपुर. बाकी सब स्पेसिफिकेशन इक्वल है दोनों गाड़ी का. सबसे बड़ा चीज वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है स्टैंडर्ड वेरिएंट, क्योंकि आपको इसमें सेम स्पेसिफिकेशन मिलेगा दोनों में, बस डिजिटल मीटर कंसोल नहीं मिलेगा आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में. पर उतना कौन देखता है, आपको 2000 रुपीज़ लगभग खर्चा करना पड़ेगा एक डिजिटल मीटर पाने के लिए. गो फॉर दिस स्टैंडर्ड वेरिएंट क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. थैंक यू.